हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एके अपडेट्स पर। दोस्तों, एके अपडेट्स एक ऐसे चैनल है जहां पर आपको हरियाणा व हरियाणा से जुड़ी सभी सरकारी योजनाओं की और साथ ही साथ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी व यूनिवर्सिटी के एग्जाम से रिलेटेड डेली अपडेट्स दी जाती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि आने वाली हर अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और साथ ही साथ इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि हमारी हर अपडेट उन तक भी पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी इस बार कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं, द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं, उनको इस बार प्रमोट करने में हिचकिचा रही है, क्योंकि जो छात्र पिछली बार फर्स्ट ईयर में प्रमोट होकर नेक्स्ट ईयर में आए थे, द्वितीय वर्ष में आए थे, वह अगर इस बार भी उनको यूनिवर्सिटी प्रमोट कर देती है तो कहीं ना कहीं भविष्य में जाकर उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और एक कारण ये भी है, अगर इस बार भी उनको प्रमोट कर दिया जाए तो उन स्टूडेंट्स पर फाइनल में जाकर अपनी परसेंटेज को उठाने का मौका नहीं मिल पाएगा। वह छात्र अपनी जो डिग्री को अच्छे नंबरों के साथ नहीं ले सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर किसी स्टूडेंट को प्रमोट करती है तो वह एवरेज नंबरों पर के हिसाब से करती है, उसके पिछले कक्षा के नंबर देखकर, उसके असेसमेंट देखकर, असाइनमेंट देखकर, फिर उनका एक एवरेज निकाल कर फिर उस बच्चे को प्रमोट किया जाता है। अगर इस बार भी सेकंड ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाए तो उन स्टूडेंट की अगली बार फाइनल में जाकर एक अच्छी परसेंटेज नहीं बन पाएगी। इसलिए यूनिवर्सिटी इस पर एक फॉर्मूला तैयार कर सरकार के साथ साझा कर रही है। यूनिवर्सिटी द्वारा ऐसा फॉर्मूला तैयार कर लिया गया है कि बच्चे को आगे भविष्य में जाकर भी इसके लिए कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, लेकिन परीक्षाओं के स्वरूप पर संशय बरकरार निर्देश का है इंतजार। सरकार के द्वारा निर्देश का यूनिवर्सिटीज को इस पर अब भी इंतजार है। स्नातक और स्नातक कोर में प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं देने वाले छात्रों को देनी होगी द्वितीय वर्ष की परीक्षा। कुछ यूनिवर्सिटी का मानना है कि जो छात्र प्रथम वर्ष में प्रमोट होकर द्वितीय वर्ष में आए थे उनको द्वितीय वर्ष की परीक्षा लिखित रूप में देनी होगी। और दोस्तों, यह जो न्यूज है अमर उजाला ब्यूरो के अखबार में छपी है, जो कि वाराणसी का एडिशन पेपर है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सच्ची और सटीक अपडेट्स ही मिलेगी। यहाँ पर भी यह लिखा हुआ है कि प्रथम सेमेस्टर के आधार पर ही मिलेंगे अंक। यह अंक किनको मिलेंगे, नीचे संक्षेप में बताया है कि ऐसे विश्वविद्यालय जहाँ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं हो चुकी हैं तथा द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई, वहाँ उनके प्रथम सेमेस्टर के अंकों के आधार पर उनके द्वितीय सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक निर्धारित होंगे। यानी कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर की परीक्षाएं हो चुकी हैं और अब वह स्टूडेंट सेकंड ईयर में है तो ऐसे में उनकी परीक्षा नहीं होगी, वह केवल प्रमोट कर दिए जाएंगे। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के अंकों के आधार पर चतुर्थ सेमेस्टर के परिणाम तथा अंक निर्धारित होंगे। कहने का मतलब यह है कि जो अब प्रेजेंट क्लास में पढ़ रहे हैं, अगर उनकी पिछली क्लास में परीक्षा हुई है तो उनको पिछले क्लास के अंकों के आधार पर इस बार प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पर यह भी लिखा है कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए शासन ने अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा कराने के निर्देश दिया है। शासन की ओर से गठित समिति ने परीक्षाओं के स्वरूप पर जहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र की बात कही है, वह शैक्षिक महासंघ ने प्रश्न पत्रों की समय सीमा और प्रश्नों की संख्या घटाकर परीक्षा कराने का भी सुझाव दिया है। जहाँ प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हुई हैं उनके द्वितीय वर्ष की भी परीक्षा कराकर तृतीय वर्ष में प्रवेश दिया जाए। महामारी के कारण विश्वविद्यालय में छात्रों की परीक्षाएं को लेकर दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं, जिसमें लिखित परीक्षाओं के अंकों के आधार पर ही प्रायोगिक परीक्षा के में अंक प्रदान किए जाएंगे। इसके साथ ही मौखिक परीक्षा को ऑनलाइन ही कराया जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र के आधार पर परीक्षा कराना काशी विद्यापीठ और संपूर्ण नंदन में टेढ़ी खीर साबित हो सकता है। पिछले साल भी कोरोना काल में बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र के आधार पर परीक्षा कराने का विरोध किया गया था। काशी विद्यापीठ के कुल सचिव डॉक्टर एसएल मौर्या का कहना है कि विश्वविद्यालय में परीक्षा की तैयारी तो पहले से ही हो चुकी थी, अब शासन की ओर से जो भी निर्देश होगा उनके अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। यानी
यूनिवर्सिटी ने अपने फॉर्मूले के आधार पर अपनी तैयारी परीक्षाओं को लेकर पहले से ही कर लिया। अब शासन का जो भी निर्देश रहेगा परीक्षाओं को लेकर और प्रमोशन को लेकर यूनिवर्सिटी उसी के आधार पर अपना फैसला सुनाएगी। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड अगर और कुछ अपडेट्स आती है वह भी आपको इसी चैनल के माध्यम से बता दी जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और साथ ही साथ दोस्तों, इस चैनल को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि हमारी हर अपडेट उन तक भी पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।